दार उघडावं लागेल, महाराज येते. प्रथमोषम सम्यक्त्व के पूर्व पांच लब्धिया होती है, उसमें पांचवी करण लब्धि है. उस करण लब्धि के तीन भेद किए हैं, एक अधप्रवृत्त करण परिणाम, फिर अपूर्व करण परिणाम और अनिवृत्तिकरण. तो उसमें तीनों करण परिणामों का सामान्य स्वरूप बताया था. अधकरण में ऊपरवर्ती समय के समयवर्ती जीव के परिणाम नीचे के समयवर्ती जीवों के सदृश होते हैं, इसलिए उसको अधप्रवृत्तकरण कहते हैं. उस अधप्रवृत्तकरण का यह विशेष लक्षण बता रहे हैं. 42 की गाथा है, पहले 40 और उसमें 41 नंबर की गाथा में ये सब वर्णन हुआ था. अधप्रवृत्तकरण में चार आवश्यक कार्य बताए कि प्रत्येक समय में परिणाम की अनंत गुणी विशुद्धि होती है, फिर पुण्य प्रकृति का चतुस्थानगत अनंत गुना अनुभाग बनता है और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनंत गुना घटता हुआ द्विस्थानगत अनुभाग बंध होता है, और प्रत्येक एक एक अंतर्मुहूर्त काल के द्वारा पल्ले का संख्यात्वा भाग कम ऐसा स्थितिबंध होता है, मतलब स्थितिबंध अपसरण होता है. यह इतना आवश्यक कार्य बताने के बाद अब जो अधप्रवृत्तकरण में किस प्रकार के कितने प्रकार के परिणाम होते हैं और प्रत्येक समय में कैसे क्षय वृद्धि हुए लिए हुए होते हैं, उनका यह स्वरूप बता रहे हैं. गाथा नंबर 42 है. आदिम करण अध्याय पड़ी समय संकलोग परिणामा अयकमाहु विशेषे मुहूर्त अंतो परिभागो. आदिम करण अध्याय, आदि मतलब प्रथम, प्रथम करणा के काल में पड़ी समय ने प्रत्येक समय में असंख्य लोग परिणामा, असंख्यात लोक मात्र परिणाम होते हैं. मतलब तीनों कालों के जितने भी नाना जीवों की अपेक्षा से, त्रिकाल विषयक नाना जीवों की अपेक्षा से, मतलब जो जो भूतकाल में अधकरण में गए थे या अभी जो अधकरण प्रवृत्त परिणाम कर रहे हैं या भविष्य काल में जो अधप्रवृत्तकरण करेंगे, उनके हर अधप्रवृत्तकरण काल में पहले समय में ऐसा ही यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है, परिणामों की विशुद्धियां है, अपने प्रकार की विशुद्धियां होती है और प्रत्येक समय में असंख्यात लोक प्रमाण है. पहले समय में भी असंख्यात लोक प्रमाण, दूसरे समय में भी असंख्यात लोक प्रमाण, अंतिम समय तक असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं. उसमें पहले हर समय में असंख्यात लोक है और संपूर्ण अधप्रवृत्तकरण काल में मिलकर के भी असंख्यात लोक प्रमाण है, लेकिन प्रत्येक समय में एक एक छह अधिक क्रम लिए हुए परिणाम होते हैं. पहले समय से दूसरे समय में अधिक, मतलब नाना जीवों की अपेक्षा एक जीव को कोई एक ही परिणाम होगा एक समय में, लेकिन नाना जीवों की अपेक्षा देखेंगे किसी को अमुक हुआ, किसी को अमुक हुआ, किसी को अमुक हुआ, ऐसे अभिन्न भिन्न जाति के परिणामों की विशुद्धि के प्रकार कितने इतने प्रकार के होते हैं. कितने असंख्यात लोक, असंख्यात लोक का अर्थ क्या कि एक लोकाकाश के प्रदेश उसको कहेंगे एक लोक. एक लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं, असंख्यात है. असंख्यात असंख्यात में जो मध्यम असंख्यात है उतने लोकाकाश के प्रदेश है, लोकाकाश अपन निकालते ना उसे, और ऐसे एक लोकाकाश के प्रदेश, ऐसे दूसरे लोकाकाश के प्रदेश ले लो, ऐसे तीसरे लोकाकाश के प्रदेश, ऐसे लोकाकाश नहीं है लेकिन कल्पना से हम करेंगे उस संख्या, ऐसे असंख्यात लोकों के जो प्रदेश है उसको अपन ऐड करते जाएंगे, मतलब मिलाते जाएंगे, तो सब मिला करके जितनी संख्या होती है असंख्यात लोकों के प्रदेशों की उसको कहते हैं असंख्यात लोक. ऐसे कभी भी नाप कहते समय उसके प्रदेशों को, क्षेत्र के द्वारा जब अपने को प्रमाण बताएंगे तो उसके प्रदेशों को गिनना,
काल के द्वारा जब एक आवली बताएंगे तो एक आवली के जितने समय है उतनी संख्या समझना। चार प्रकार से प्रमाण होता है ना, एक द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य की अपेक्षा से गिनेंगे तो असंख्यात है, अनंत है, 21 प्रकार की संख्या में से बताएंगे। क्षेत्र की अपेक्षा से बताएंगे तो जैसे एक लोक है, एक जगत श्रेणी प्रमाण है, जगत प्रतर है, तो उतने जो आकाश प्रदेश की पंक्ति है उसमें जितने प्रदेश आते हैं उनको गिनना है। सूच्यंगुल कहा तो सूच्यंगुल में जितने लोक आकाश के प्रदेश होते हैं उतनी संख्या, ऐसा समझना। और काल का प्रमाण बताते तो उतने काल में जितने समय होते हैं वो संख्या समझना। जैसे एक आवली, एक अंतर्मुहूर्त, इतने प्रमाण है ऐसा कहा तो उनके समयों को गिनना। और भाव की अपेक्षा कहे तो उसके अविभाग प्रतिच्छेदों को गिनना, उसमें जितने इतने ज्ञान प्रमाण है, अवधि ज्ञान प्रमाण है ऐसा कहा तो अवधि ज्ञान के जितने अविभाग प्रतिच्छेद है उतनी संख्या है, ऐसा समझना। तो यहाँ जीव के परिणामों की संख्या क्षेत्र के माध्यम से बताई कि असंख्यात लोक प्रमाण है, असंख्यात लोकों के जितने प्रदेश होंगे उतने हैं। और हर प्रत्येक समय में असंख्यात लोक प्रमाण है, लेकिन पहले समय से दूसरे समय में कुछ अधिक है, दूसरे से तीसरे में कुछ अधिक, तीसरे से चौथे में कुछ अधिक है। तो कुछ अधिक के लिए उसको बोलते चे, समान प्रमाण से बढ़ते हुए होते हैं। ऐसा नहीं कि कितनी भी संख्या से बढ़ेंगे, पहले से दूसरे समय में जितनी संख्या बढ़ी उतने ही दूसरे से तीसरे में बढ़ेगी, उतने ही तीसरे से चौथे में बढ़ेगी। इस प्रकार हर समय समान वृद्धि जहाँ होती है उसको चय कहते हैं। तो यहाँ विशेष को हो चय को हो दोनों का अर्थ एक ही है। तो निकालने के लिए भागहार कितना है तो कहते कि अंतो मुहूर्त, अंतो मतलब अंतर्मुहूर्त प्रतिभाग है, मतलब पहले समय के परिणाम को अंतर्मुहूर्त से भाग देंगे तो जितना प्रमाण आया उतना मिलाना उसमें, किसमें, पहले समय के परिणाम में, तो दूसरे समय के परिणाम निकलते हैं। दूसरे समय के परिणाम को फिर उसमें अंतर्मुहूर्त नहीं, मतलब जो भाग एक चय आया वही रहेगा सब जगह, समान चय रहेगा, तो उतना मिलाओ तो दूसरे समय के आएंगे, दूसरे समय में उतना ही प्रमाण मिलाओ कि तीसरे समय के परिणाम आएंगे। तो हर समय जो अदब प्रवृत्तकरण के परिणाम है वे समान प्रमाण ले हुए बढ़ते हैं। तो उसमें पहले समय में कितने परिणाम है, दूसरे समय में कितने हैं, ये निकालने के लिए यहाँ अंतर्मुहूर्त प्रतिभागहार बताया है। तो यहाँ तो मैंने कहा था ना सवेरे की लब्धिसार में उन्होंने डायरेक्ट प्रमाण दे दिया, यहाँ पहले समय के परिणाम कितने हैं। अब जिसने जीवकांड पढ़ा है उसको ये संख्या समझ में आएगी। तो ये संख्या कैसे आई कि पहले समय में इतने परिणाम होते हैं, दूसरे समय में इतने होते हैं और अंतिम समय, तीन समय के परिणाम दिए हैं इसमें, प्रथम समय के, द्वितीय समय के और चरम समय के परिणाम। तो इसको निकालने के लिए एक पद्धति है, एक विधान बताया है कि कैसे निकालना। तो जीवकांड का आधार लेकर और यहाँ अंतर्मुहूर्त का प्रमाण भी दिया है, उसको भी देखेंगे। पहले से निकालते हैं अपन, संक्षेप में उसको देखेंगे। जैसे अंक संतुष्टि से भी देखेंगे और अर्थ संतुष्टि से भी देखेंगे। पहले अपन अंक संतुष्टि से देखते हैं। तो अधकरण के कुल परिणाम, परिणाम जैसे माने हुए है 3072, वास्तव में कितने बताए थे अभी, असंख्यात लोक प्रमाण है, लेकिन उसका गणित समझने के लिए अपन अंक संदृष्टि से समझते तो जल्दी समझ में आता है। 3072 कल्पित किए, इतने नहीं है लेकिन कल्पना करना। और अधकरण का काल अपन ने सबरे कल्पित किया था, कितना है 16 है माना हुआ, वो है कितना वास्तव में अंतर्मुहूर्त, लेकिन समझने के लिए 16 माना। अब पहले समय में कितने परिणाम है वो निकालना है अपने को, ये सब समय उनके मिलकर कितने परिणाम है, इस
इसमें से पहले समय में कितने परिणाम होते हैं उसका प्रमाण निकालते हैं। तो उसको निकालने के लिए कुछ सूत्रों का प्रयोग करते हैं। इसको कहेंगे सर्वधन। सब परिणाम को क्या बोलते हैं? सर्वधन बोलते हैं। और इसको काल को बोलते हैं पद या आयाम या स्थान, ऐसा बोलते हैं। तो यहां पहले क्या निकालते हैं? ये पहले समय के परिणाम निकालने के लिए चय, मतलब पहले समय से दूसरे समय में कितने परिणाम बढ़ते हैं उसको कहेंगे चय। वो चय निकालने के लिए सूत्र कहा है कि सर्वधन भागिले पद का वर्ग गुणित संख्यात बराबर क्या आता है? चय आता है, चय का प्रमाण आता है। जैसे उदाहरण यहां सर्वधन कितना है? 3072 है। पद कितना माना है? 16। वर्ग किया तो 2 बार 16 का गुना करो। और संख्या संख्या यहां 3 मानी है, कल्पित किए संख्या संख्या 3। इसको भाग दिया तो कितना है? यहां 3072 का 16 का भाग दिया, इधर से देते जाएंगे तो बोलेगा 16 × 16 = 144, फिर उसमें से बराबर है 3। हाँ उड़ले की तो 3, 16 × 32 192, 16 का वापिस भाग दिया 16 × 16 = 32 और 3 × 4 = 12, कितना आया? 4। ये किसका प्रमाण आया? चय का प्रमाण आया, मतलब इतने प्रमाण से हर समय में बढ़ेंगे परिणाम, ये अंकगणित से। अब प्रत्येक समय में बड़े हुए ऐसा परिणाम लेंगे, जैसे अभी यहाँ पहला समय जो होगा जितने परिणाम होंगे उसमें दूसरे समय में 4 मिक्स होंगे, उससे तीसरे समय में और 4 मिलाएंगे, चौथे समय में और 1 चय मिलेगा, ऐसे एक एक चय बढ़ते हो जाएंगे ना, उनके एक अधिक अधिक है, तो अंतिम समय तक ये 4 4 4 4 बढ़ाएंगे। तो यहां अपन ने कितने समय माने हैं? 16 समय माने हैं। तो 16वें समय में कितने, यहाँ दूसरे समय में कितने चय बड़े हैं? 1। तीसरे समय में 2, चौथे समय में 3 है, तो 16वें समय में कितने होंगे चय? 15 चय होंगे। तो यहाँ 15 × 12 से 4 × 4 आएगा, ऐसे ये सब चय का प्रमाण हुआ, मतलब बड़ी हुई संख्या का प्रमाण आया। और सब जगह पहले समय में होंगे उतने परिणाम सब जगह होंगे, और इसमें ये बड़े हुए परिणाम, ऐसे इसको कहेंगे चयधन। और इसमें जो मूल प्रमाण जो सबका समान रहेगा उसको कहेंगे आदिधन। क्या कहेंगे इसको? चयधन, जितने बड़े हुए परिणाम है। तो इन सबको एक साथ एक सूत्र से निकाल सकते कि कुल कितने हुए, एक एक समय में 4 4 बड़े, तो सब समयों में मिलकर के कितने चय हुए हैं, तो उसको चयधन कहते हैं। तो उसको निकालने का सूत्र है, इस सूत्र के विधान से जल्दी निकलता है। पद में 1 माइनस करना, उसका आधा करना, पद माइनस 1 वेक पद, दिखते का वेक पद घन चय, एक वेक पद अर्ध घन चय गुण गच्छ, गच्छ को हो या पद को हो दोनों अर्थ एक ही, पद को दूसरा नाम गच्छ है। सूत्र में उन्होंने गच्छ शब्द रखा है इसलिए गच्छ लिखा है यहाँ पर। इसका करते हैं तो क्या निकलता है? सब चयों का संकलन आता है। तो पद कितना है अपना? 16। 16 पद है ना, अधकरण के काल का प्रमाण 16 लिया हुआ है, तो 16 रखना, उसमें 1 कम आधा, और चय का प्रमाण कितना निकला है? 4, और गच्छ कितना है? 16।
16, तो ये सब मिलाकर क्या आया? हाँ, चार, 16 दो 32, और यह 15 होगा, 15 गुणित 32 तो कितना हुआ? 480। इसको क्या कहेंगे? चयध्वन, मतलब सब समयों में बड़े हुए परिणामों की संख्या आएगी। क्या निकल रहे हैं? अधकरण के प्रत्येक समय में कितने परिणाम हुए वो निकालना है। तो प्रथम समय के परिणाम को निकालना है, तो उसके लिए क्या किया? पहले प्रत्येक समय में कितने चय बढ़ते हैं, मतलब कितना प्रमाण बढ़ता है, उसको कहा चय। और सब समयों में मिलकर कितने बढ़ते हैं उसका प्रमाण निकाला, तो उसको क्या कहा? चयधन। वो यहाँ 480 आया। अब आगे एक चयधन को क्या करना? सर्वधन में से माइनस करो, क्योंकि ये बड़े हुए संख्या है ना, बड़ी हुई संख्या है, इसको माइनस करो तो जो मूल संख्या है उसका प्रमाण निकलेगा। तो सर्वधन माइनस चयधन, तो यहां सर्वधन कितना बराबर क्या आएगा? आधिधन कहेंगे, मतलब पहले समय में जितने परिणाम होंगे उतने सभी समयों में समान लिए, या जो भी प्रमाण आएगा उतने सब में समान लेंगे ना, और ये बड़े हुए परिणाम है। तो यहाँ सर्वधन 3072 माना हुआ है, चयधन कितना निकला? 480, माइनस किया तो कितना है? 2 7 17 में से 8 गए 9, अच्छा 1 5 और 2592 का आया। क्या आया? आधिधन, मतलब ये सब में समान समान परिणाम है उसकी, उसका जोड़, उसका संकलन है, उसका प्रमाण आया। तो उसको कहा आधिधन। अब क्या निकालना है? प्रथम समय में कितने परिणाम है उसको निकालना है। तो इस आधिधन को क्या करेंगे? पद का भाग देंगे, क्योंकि सब में समान है ना, सब मिलकर के ये आए हैं और एक में निकालना है, तो पद का भाग देंगे तो उसका प्रमाण आएगा। आधिधन भागिले पद बराबर क्या आएगा? प्रथम समयवर्ती परिणाम की संख्या आएगी। अधकरण के पहले समय में कितने परिणाम होते हैं सब मिला करके, ते परिणाम संख्या। तो आधिधन कितना निकला है? 2592, पद का प्रमाण है 16। तो 16 का 9 आया तो 96, फिर 6 रह गया, नहीं 2 3 रह गए, 16 2 32 तो कितना है? 162। इतने प्रथम समय में परिणाम होंगे 162 के माना हुआ सब कल्पित गणित है। प्रथम समयवर्ती परिणाम एक बार वापस बताती हूँ, आप पहले से ध्यान देना। क्या निकालना है? पहले समय में कितने परिणाम हुए वो निकालना है। तो उसके लिए क्या किया? सब ये अधकरण परिणाम के पूर्ण समय उनके मिलकर के परिणाम है 3072। अब इसमें से अपने को पहले समय में कितने हैं वो निकालना है, ये सब मिला करके है। तो निकालने के लिए क्या किया? सर्वधन को जो अधकरण का काल का प्रमाण है उसको कहेंगे पद, पद के वर्ग का भाग दिया और संख्या से भाग दिया, तो क्या आया यहाँ पर? 6। ये निकालने के लिए फॉर्मूला है, वो 6 का प्रमाण निकालने के लिए माना हुआ है यहाँ पर। वास्तव के गणित में जो संख्या होगी वो संख्या है, बड़ी संख्या है वो है, यहाँ अपने को निकालने के लिए संख्या 3 माना है, ऐसा कल्पना की है, मतलब संख्या संख्या से भाग देना है। अब संख्या संख्या वो अधकरण के परिणाम लाने के लिए जो चय होगा उसके लिए जिस संख्या से भाग देना है वो संख्या केवली गम्य है या जो बताई है वो लेना है। यहाँ अपने को कल्पित गणित में
ये अंक लेने से वो प्रमाण आता है बराबर, इसलिए वो तीन कल्पित की है संख्या। चय के और भी सूत्र है, एक कल्पित न करके भी और दूसरे सूत्र से भी निकलता है। अभी आकर भी अंतर्मुहूर्त का प्रमाण दिया है उन्होंने निकालने के लिए। तो यहाँ क्या किया फिर, सर्वधन को पद का वर्ग कितना, 16 का वर्ग किया, 16 × 16 और संख्या 3 से भाग दिया, तो कितना प्रमाण आया, 4। 4 आया मतलब क्या, संख्यात का वैसे अर्थ का में जो संख्या मतिज्ञान श्रुतज्ञान का विषय हो सकती है वहां तक के संख्या को संख्यात कहा है। जो मतिज्ञान श्रुतज्ञान के बाहर, ज्ञान के बाहर जो संख्या अवधि ज्ञान मनोत्तर ज्ञान का विषय है उस संख्या को असंख्यात कहते हैं, और उसका भी जो विषय नहीं है जो केवल ज्ञान का विषय है उसको अनंत कहते हैं। ऐसे संख्या के तीन भेद किए, संख्यात, असंख्यात और अनंत। संख्या संख्या के ऊपरी संख्या जो है ऊपरवर्ती वह असंख्यात है, असंख्यात से भी बड़ी संख्या अनंत है, और उस संख्यात के भी बहुत सारे भेद है, मतलब 2 से लेकर 2, 3, 4, 5 ऐसे वो जो अवस्था कुंड में जितना उसकी सरसों की संख्या है ना वहां तक वो सब संख्यात के भेद है, बहुत बड़ी संख्या है वह, उसको संख्यात कहते हैं जहां तक मतिज्ञान श्रुतज्ञान का विषय हो सकता है। अब यहाँ पर वो संख्यात में से कोई एक संख्या होगी तो यहाँ पर ने संख्या संख्या 3 मानी, क्योंकि वो सब कल्पित ही गलत है ना, 3072 भी कल्पना किया हुआ है। हाँ, तो क्या होगा फिर, चय भेद निकालने के लिए ये सूत्र, मतलब ये एक एक समय में कितने परिणाम बढ़ते गए हैं उसका प्रमाण निकाला, तो 4 यहाँ आया, मतलब पहले समय से दूसरे समय में 4 परिणाम अधिक होंगे, दूसरे से तीसरे में 4 अधिक और अधिक होंगे, इस प्रकार 4, 4, 4 से बढ़ते हुए जाएंगे परिणाम। अब वो सब बड़े हुए जो परिणाम है उनके वो कितने है कुल, उसको कहेंगे चय भेद। ये जो 4, 4, 4 है ना, यहाँ 1, 2 बार 4, 3 बार 4, फिर 4 बार 4 ऐसे 16 समय तक बड़े हुए जो परिणाम है उनको निकालेंगे, वो चय भेद है। तो पद में से एक माइनस किया और 2 का भाग दिया, गुणित चय गुणित गच्छे सूत्र है, जैसे गणित में फार्मूले होते हैं ना ऐसे ही फार्मूला है। इससे इस सूत्र से चय भेद निकाला तो कितना है, 480, मतलब सबका अपन जोड़ करेंगे तो 480 आएगा, आप अलग अलग करके देखो तो बराबर आएगा। मतलब ये सूत्र से ऐसे आचार्यों ने कितने सारे सूत्र दिए हुए अपने को कि जो अभी गणित में भी नहीं होंगे, या उसी का आधार लेकर गणित लोग जो है वैज्ञानिक लोग उसका निर्माण कर रहे हैं सूत्रों का। और फिर क्या किया, सर्वधन में से ये जो चय धन आया उसको माइनस किया, फिर उसको कहा आदिधन, सब समयों के समान परिणामों की संख्या आदिधन हुआ। फिर आदिधन में पद का भाग दिया तो क्या आया, ये पहले प्रथम समयवर्ती जीवों के परिणाम आए, वे माने हुए 162। फिर दूसरे समय के कैसे निकालेंगे, 162 में 4 जोड़ो तो क्या आया 166, फिर 4 जोड़ो तो 170, 174 ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ 222 आते हैं। सब मिलाकर के इनका जोड़ करेंगे तो 3072 आएंगे, 162 से 222 तक। अरे 222 कैसे है उसको भी सूत्र के द्वारा निकालेंगे कि डायरेक्ट, अभी आज 16 समय इसलिए अपन 4-4 बढ़ाते गए तो आ गया, लेकिन इसको भी सूत्र से निकालेंगे। कैसे सूत्र से निकालेंगे, तो प्रथम समयवर्ती परिणाम में एक कम पद मात्र चय जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ दूसरे में एक चय जोड़ा है, तीसरे में 2 चय जोड़ा है, तो तीसरे में 2 मतलब एक कम हो गया ना, ऐसे यहाँ हाँ ये उसका सूत्र लिखती हूँ, प्रथम समयवर्ती परिणाम प्लस चय गुणित पद माइनस 1 ये करेंगे बराबर क्या आएगा, अंतिम समयवर्ती परिणाम आएंगे।
परिणाम आएंगे। तो प्रथम समयवर्ती परिणाम कितने, 162, उसमें 6 कितना है, 4, पद का प्रमाण क्या है, 16 माइनस 1, तो कितना हुआ, 162 प्लस 16 में से एक गया 15, 15 चौक 60, 60 में लाया तो कितना आया, 2 6 6 12, 2 1 222, यह के परिणाम आ गए। सूत्र है ऐसे कि सूत्र के द्वारा अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसी को उन्होंने अर्थ संदृष्टि के माध्यम से वहां बताया है कि पहले समय के परिणाम कितने हैं, दूसरे समय के कितने हैं और अंतिम समय के कितने हैं। तो यहां इसमें क्या करेंगे अपन, अर्थ संदृष्टि रखेंगे, ये सब सूत्र रहेंगे। तो यहां 3072 अपने माना हुआ है, अर्थ संदृष्टि से वही संख्या रखेंगे, तो कितने हैं असंख्यात लोग, तो लोग का चिन्ह है 3 आड़ी रेखा, इसको कहेंगे लोक, ये लोक का चिन्ह है, 3 ऐसी रेशा दिया क्योंकि 3 लोक माने हैं ना, अधोलोक उर्ध्वलोक मध्यलोक और उर्ध्वलोक, और ये असंख्यात का चिन्ह है, यह संदृष्टि में असंख्यात का एक चिन्ह है, संख्यात का ये बताया था ना अभी, अभी वो भी बताती है। पद कितना है, अंतर्मूर्त, ये सबेरे देखा था अपने अधकरण के परिणाम, अधकरण का काल कितना है, अंतर्मूर्त, मतलब ये आवले और ये संख्या संख्या संख्यात गुणित किया, संख्या आवले मतलब अंतर्मूर्त होता है। अब इसको इन दोनों को इसमें सब में डालना है और गणित करना है, अर्थ संदृष्टि बहुत सरल है, लोगों को ऐसा देख करके लगता है क्या क्या लिखा है कुछ मालूम नहीं है, खाली अब सूत्र है ही तैयार, इसमें वो संख्या रखो, अब सर्वधन है कितना है, असंख्यात लोक है, और उसके नीचे पद का वर्ग करना है, वर्ग करना मतलब दो बार लिखना, ये पद है उसको दो बार लिखा और एक बार संख्या से गुना किया, ये संख्या का चिन्ह ऐसे ही रखा, या गुणीले चिन्ह नहीं देते हैं अपने आचार्य, ऐसा डंडा लगाते हैं उस बीच में ऐसे गुना कर, तो इस ये क्या हो गया, 6 हो गया। सर्वधन को पद के वर्ग का संख्या का भाग दिया, यह 6 हुआ। अभी क्या निकालना है, 6 धन, कि सब में कितना परिणाम बढ़ा, ये सब असंख्यात में गणित है इसलिए वैसा ही चिन्ह रख करके आचार्य ने गणित किया है कि असंख्यात का असंख्यात में रख करके, असंख्यात संख्या लिख नहीं सकते इसलिए उसके लिए चिन्ह दिए हैं, तो असंख्यात लोग का एक चिन्ह है, पहले समय में असंख्यात लोग और 6 भी असंख्यात लोग है, क्योंकि यहां देख रहे ना अपन असंख्यात लोग को अंतर्मूर्त का भाग दिया तो जो उत्तर आएगा वह असंख्यात लोग ही आएगा, तो एक पहले समय से दूसरे समय में कितने परिणाम बढ़े, असंख्यात लोग प्रमाण ही बढ़े, दूसरे से है असंख्यात लोग और उसमें वापस असंख्यात लोग बढ़ाएंगे तो वापस तो दूसरे समय में भी असंख्यात लोग ही होंगे, चय का प्रमाण भी असंख्यात लोग है। अब चय धन निकालना है अपने को, तो ये चय धन का सूत्र है, इसमें वो सब संख्या रखेंगे, थोड़ा बड़ा बड़ा है तो बड़ी बड़ी संख्या आएगी, पद की संख्या वैसे रखना है, अंतर्मूर्त माइनस 1 बटे 2, फिर चय का यह प्रमाण आया ऐसा ही लिखना है यहां पर, असंख्यात लोग बटे अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त संख्यात, ये चय का प्रमाण हुआ, ये पद माइनस 1 और बटे 2 हुआ, ये चय और गच्छ का प्रमाण लिखना है, ये ऊपर लिखेंगे, गच्छ कितना है, अंतर्मूर्त है, ये क्या हुआ, चय धन। अब इसमें जो अपवर्तन हो सकता है इसका अपवर्तन मतलब भाग देना, जैसे यहाँ ये संख्या समान है और ये संख्या समान है, इसको निकाल दो, इसका भाग दे दो, उड़ा दो इसको, जो शेष रहेगा वो रखेंगे, इसका ये भाग गया, तो इसकी अगली स्टेप क्या आएगी, इसमें आप जो बड़ी संख्या है पहले रखेंगे और छोटी संख्या बाद में रखेंगे,
तो उसको इस कर से पूछते पुसावच लागेल होतं कारण ते मोठं आहे गणित थोडं. तो इसमें क्या बचा है, चैधन इधर ही लिखते हो असंख्यात लोक और इधर क्या है अंतर्मूर्त माइनस एक ऐसा लिखेंगे यहाँ अंतर्मूर्त माइनस वन बटे ये अंतर्मूर्त है या संख्यात है और ये दो है बराबर. ये अंतर्मूर्त संख्यात और दो इतना या प्रमाण चैधन का या संख्यात लोक लिखा और ये अंतर्मूर्त माइनस वन है फिर नीचे अंतर्मूर्त संख्यात और दो ये भागर में लिखा वहां. अब ये चैधन आया है मतलब ये सब समयों में बड़े हुए परिणामों की संख्या है. हर समय में कितने बढ़ते हैं इतने बढ़ते हैं परिणाम और सब समय में मिलकर इतने बड़े और सर्वधन में से इसको माइनस करना है तो सर्वधन कितना अपना असंख्यात लोक है इसको इसमें से इसको माइनस करो तो क्या आएगा आदि धन आएगा. एक बार नहीं समझ में आया तो देखो खाली और एक दो बार करने के बाद आ जाएगा. सरल है ऐसा कठिन नहीं है. तो यहां इसमें से माइनस करना है तो माइनस करने के लिए क्या करते हैं समच्छेद करते हैं. छेद समान होना चाहिए क्योंकि अपूर्णांक में संख्या है ना इसके नीचे छेद है और इसके नीचे छेद नहीं है क्या मतलब भागहार नहीं है तो जितना ये छेद है यहाँ पर भागहार उतना ही इसमें समान करेंगे तो उसको गुणा करेंगे और भाग देंगे तो असंख्यात लोक गुणित अंतर्मूर्त संख्यात और दो भागिले अंतर्मूर्त संख्यात और दो माइनस ये सब संख्या आएगी वहां फिर भी निकालती हूँ थोड़ी देर के लिए. माइनस ये संख्या लिखेंगे पूरे असंख्यात लोक अंतर्मूर्त माइनस वन बटे अंतर्मूर्त संख्यात और दो. अब छह दोनों का समान है तो इसमें से क्या करना है समान संख्या निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे पहले ये जो माइनस वन है ये ऋण राशि बोलते इसको इसमें से इस संख्या में से एक कम है तो इसका प्रमाण अलग रखेंगे मतलब इसमें ऋण मिलाएंगे ऐसा कहो और ऋण बाद में माइनस करेंगे तो इसलिए क्या किया इसका एक का प्रमाण मतलब कितना है तो जैसे आप उदाहरण अंकगणित से समझेंगे तो समझ में आएगा. दस गुणित पांच माइनस वन है और बटे यहाँ दो है समझो दो है तो यहाँ ये जो पांच में से माइनस वन है ये ऐसा है यहाँ पर तो इस एक की कीमत कितनी है दस बटे दो है एक की कीमत एक नहीं है तो यहाँ एक की कीमत लिखो बोलेंगे तो क्या निकालेंगे दस बटे दो निकालेंगे तो यहाँ ऐसा करेंगे दस गुणित पांच बटे दो तो यहाँ दस गुणित पांच पचास हो गया बटे दो मने पच्चीस हो गया पच्चीस में से ये इतनी ऋण राशि है ये माइनस करना है इसमें से तो दस बटे दो की उसकी वैल्यू निकाली थी उसको माइनस करेंगे इसमें से ये कितना है पांच है तो माइनस पांच तो कितना है बीस आया. अपन ऐसा रख करके करो तो कैसा आएगा दस गुणित पांच माइनस एक मतलब चार बटे दो तो कितना है चालीस बटे दो कितना है बीस वही आया ना प्रमाण मतलब इस एक का प्रमाण एक नहीं होता है जिस संख्या से इसका गुणा और भाग है उस संख्या से इसका गुणा और भाग होता है
इसलिए यहाँ एक का जो प्रमाण है वो कितना है, असंख्यात लोक भागिले अंतर्मूर्त संख्या पर दो है। इसलिए एक का प्रमाण अपन यहाँ पर अलग रखा है, इसका अर्थ क्या, ये ऋण पाद में अपन माइनस करेंगे, इसमें ऋण सहित संख्या हो गई है, इसका अर्थ। तो यहाँ पर ये जो एक का प्रमाण है उसको अलग रखेंगे, असंख्यात लोक और अंतर्मूर्त, मतलब गणित सरल करने के लिए ऐसा करते हैं खाली, बाकी कुछ इसमें ये नहीं है, क्योंकि इसका करना वो ये हो जाता है ना, सुगम हो जाता है। तो अपन एक का प्रमाण गया, मतलब एक ऋण इसमें मिल गया ऐसा समझो, अलग निकाले इसका अर्थ, इसमें ऋण मिला करके लिखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कॉमन संख्या निकालेंगे, तो छेद समान है दोनों जगह, और इसमें असंख्यात लोक और अंतर्मूर्त है, और इसमें भी असंख्यात लोक और अंतर्मूर्त है, इसको कहते हैं समान संख्या, दोनों में कॉमन संख्या निकालना ये गणित में होता है। तो असंख्यात लोक भागिले अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्त गुणित किया, और अंतर्मूर्त संख्यात और दो इसका भाग दिया, ये समान संख्या निकले। अब क्या शेष रहा इसमें, तो यहाँ मूल राशि में संख्यात और दो गुणकार शेष रहा है, बाकी सब संख्या समान है वो निकाली। तो ये जो शेष रही संख्या है इसमें क्या करेंगे, इसका जो एक समान अपन ने संख्या निकाली ना कॉमन संख्या, तो यहाँ एक का गुणकार है ऐसा समझना, तो एक का गुणकार रहता ही है, या एक नहीं दो चार हो तो दो चार रहेंगे, और कुछ भी नहीं है तो यहाँ समझना कि एक है, एक गुणित है। तो वो एक का प्रमाण, एक गुणकार का प्रमाण जो है वो शेष रहे गुणकार पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इसको यहाँ ऐसा अपन माइनस लिखते हैं, माइनस वन, आचरण की पद्धति क्या है, इसके माते पर ऐसा चिन्ह करते हैं, इसको एक घाटी ऐसा लिखते, एक और उसके ऊपर आड़ी लाइन लेकर के टोपी लिखते, ये माइनस का चिन्ह है आचार्यों ने जो शास्त्र में लिखा है वह। तो इसका अर्थ समझना कि इस संख्या में से इतना माइनस है, ऐसा समझना चिन्ह से। तो यह प्रमाण आया। अब इसमें ये जो ऋण राशि मिलाई है वो माइनस करना है, यहाँ ऋण राशि मिली हुई है ना, उसको देना पड़ेगा ना वापिस, तो वो राशि माइनस करो इसमें से, माइनस असंख्यात लोक। अब यहाँ पर क्या है, हाँ प्लस हो जाएगा, ये इसका ऋण ए है और इसका ए ऋण है, देना है, तो ऋण का ऋण राशि का धन होता है, ये सामान्य सभी गणितों में ये नियम है, माइनस माइनस प्लस होता है, दो माइनस मतलब एक प्लस होता है। तो यहाँ ये माइनस है और उसका ये माइनस है, मतलब इसमें से ये माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा, वो है प्लस हो जाएगा, इसलिए असंख्यात लोक बटे अंतर्मूर्त संख्यात और दो, इसमें प्लस करेंगे। अब इसमें छेद समान है, दोनों का भाग हर समान है, तो समान समान संख्या रखेंगे, और ये असंख्यात लोक और ये असंख्यात लोक है, समान है, बाकी सब संख्या उसमें नहीं है गुणकार, तो आप कुछ नहीं है तो एक का गुणकार होता है ऐसा कहा था ना, तो समान संख्या निकाल करके ये जो शेष रहा हुआ गुणकार है इसके ऊपर इस एक को अधिक करेंगे, बराबर यहां लिखती हूँ असंख्यात लोक, नीचे पहले समान संख्या लिखती हूँ, अंतर्मूर्त संख्यात और दो, और अब ये जो शेष रहा गुणकार है अंतर्मूर्त संख्यात दो एक घाटी, अब इसमें क्या करना है, शेष गुणकार पर एक जोड़ना है, तो कहां से जोड़ेंगे, यहां से, क्योंकि इतना गुणकार समान नहीं है, तो उसके ऊपर एक जोड़ेंगे, अधिक करने के लिए खाली लाइन लगाना और घाटी करने के लिए ऊपर टोपी लगाना, यहाँ ऐसा ऐसा तो समझना एक प्लस है,
और इसको समझना एक माइनस है ना? और एक प्लस किसमें है? जिसमें है वहां वहां से माथे पर लिखना या इसके माथे पर लिखा ना एक अधिक। तो इतनी संख्या में अपन लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे अपनी भाषा में? ये माइनस वन, इसको ब्रैकेट करेंगे और प्लस वन, ऐसा करेंगे ये पूरा ऐसा, इसमें एक प्लस वन है। और यहाँ आचार्य संक्षेप में मतलब कम जगह में लिखते हैं, तो ये माइनस एक इसके माथे पर लिखेंगे और एक प्लस इसमें है तो ये यहां से लिखेंगे। तो अपन ग्रंथ के हिसाब से चलते हैं, इसलिए कैसे लिखेंगे? एक कम और एक अधिक। तो एक क्या निकला अपने, क्या निकल रहे थे? आदिधन। सर्वधन में चौधन माइनस किया तो इतना प्रमाण आया। जैसे अपन दो अंक संतुष्टि से 2592 निकाला था तो आदिधन आया। अब प्रथम समय के परिणामों को निकालने के लिए क्या करना है? आदिधन को पद का भाग देना है। इसको ऊपर लिखते हैं यहां, आदिधन बटे पद बराबर प्रथम समय के परिणाम। तो यहां आदिधन ये है आया हुआ असंख्यात लोक अंतर्मूर्त संख्यात दो, एक कम एक प्लस बटे अंतर्मूर्त संख्यात और दो। ये क्या है? प्रथम समयवर्ती परिणामों की संख्या, मतलब असंख्यात लोक को अंतर्मूर्त और संख्यात और दो का भाग दो, अंतर्मूर्त गुणित संख्यात गुणित दो, उसमें से एक कम करके सब में एक जोड़ो। इतने प्रथम समयवर्ती जीवों के परिणाम आए। अब उसमें आप टीका में देखो ऐसी संख्या है कि नहीं है, टीका है ना वहां, या अपन ने कुछ देखा नहीं, निकाला अपन सूत्र के अनुसार, तो यही प्रमाण आया है ना, बराबर है? ये सब मैंने विशेषार्थ में दिया हुआ है, आप वापिस देखना उसको। हाँ? कौन सा? गच्छ एक ही है ना अंतर्मूर्त, गच्छ ये गच्छ है ना, ये गच्छ पद एक ही बार आएगा ना, यह पद का वर्ग है इसलिए दो बार आया। हाँ, या एक पद से गुना करना है इसलिए दो बार नहीं आएगा, हाँ एक ही बार आएगा। ये पद का प्रमाण इतना ही है। अब पद का वर्ग करते तो उसको दो बार रखते हैं, वर्ग किया तो दो बार रखेंगे ना। हाँ नहीं नहीं, गच्छ का अर्थ वर्ग नहीं, गच्छ माने पद ही है, पद को ही अनेक नाम है, पद कहो गच्छ कहो आयाम कहो स्थान कहो काल कहो।